जय माता दी जी। देखो हमारे घर में कौन आए और आके चल भी पड़े। हाँ, इनके अभी परमानेंट अतिथि परमानेंट अतिथि जो बिना बताए आते अतिथि अतिथि जिनके आने की कोई तिथि नहीं है। तिथि नहीं है तो हम आते हैं अतिथि अतिथि। लेकिन ऐसे अतिथि बहुत प्यारे अतिथि हैं सच्ची में। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बाकी मैं बाद में बोलूंगी। मैं दूर की गाड़ी आई, इनको हम बातचीत कर लेते हैं। नहीं तो ये प्यारे से तो ये हैं। तो अरे इनकी बातें तो बहुत दिनों बाद आए। पिछली बार दीदी और अपनी फ्रेंड के साथ आए थे। आप भैया की बारी है, कुछ सुनाइए, शेरो शायरी, कोई गाना, कुछ भी। चलिए थोड़ा सा गाना सुना देता हूँ। हाँ। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं अपनी भाषा में अगर बोलूं तो विश्वास नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टू गुड सीधा सा एक ही वर्ड में। और सबसे ज्यादा ना दीदी ने जो गाने पे जो एक्सप्रेशन दिए ना वो बहुत ही अच्छे हैं। और इनको भैया को गाने का, जब हम इनके घर गए थे तो ये सुनाते रहते थे, इनको बचपन से ही गाने का शौक है। और इनकी लव मैरिज है, पता है आप लोगों को बता देते। वो अब दिखती भी होगी कि लव मैरिज है, तो इतने बड़े ढोल के साथ शादी कौन करेगा। नहीं नहीं नहीं, पता है इनकी ये होती है ना इंसान की थिंकिंग, एक्चुअली शरीर से प्यार नहीं होता, प्यार तो दिल से होता है, आत्मा से होता है। मेरी आत्मा इनको जाते हुए नजर आती है, आत्मा से प्यार हो गया। लेकिन सच्ची बोल रही हूँ मैं, बहुत मतलब बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं। इनको क्या जरूरत थी, ये एक्चुअली इस बार यहाँ का प्लान नहीं था इनका आने का। कहाँ थे भैया, थोड़ा सा बता दो, पूरा नहीं मतलब कहाँ आए थे। हम आए हुए थे पंचकुला। तो साथ में पहले हम आए थे लुधियाना, लुधियाना से हमारे पंचकुला, वही तक का था। हाँ, पंचकुला में इनकी मीटिंग थी और मैंने वहाँ पर फरमाइश कर दी कि आगे सैटरडे संडे आ रहा है, हम पंचकुला पहुँचे हैं, ज्यादा दूर नहीं है, पुन्नी गाँव चल पड़ो। हाँ, इनको ना बहुत याद आती है सच्ची में, इतनी मैंने अब मतलब बहुत अटैचमेंट है दिल से इनकी। इनको ऐसे आती जैसे अपने घर नहीं जाता कोई। नान का, मेरे को अपने नान का याद आता है। मैं यहाँ पर आती हूँ ना, मेरे को खुशबू आनी शुरू हो जाती है जैसे मेरे नान की। हाँ, और बेसिकली दीदी पंजाब हिमाचल से और भैया पंजाब से है और रहते ये दिल्ली में जी। सारे कवर करके रखे हुए, हिमाचल है पंजाब और ऊपर दिल्ली अपने। हाँ, दिल्ली तो ऐम ही हो गया। हाँ, लेकिन बोलते ना जहाँ बचपन से वही है, पैदाइश में दिल्ली की हुई। नहीं, नहीं, मेरी पैदाइश दिल्ली की, लेकिन फिर भी आपके ना वो हिमाचल के गुण आप में, वो पंजाब के वो दिखता है ना। नहीं नहीं, अब मेरे पंजाबी गुण इनके हिमाचली गुण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये लोग जा रहे हैं, वो खड़ी हमारी डीएलआर गाड़ी, डीएलआर 7CQ5619। हाँ, ये खड़ी यहाँ पे गाड़ी, लेकिन मैं इनसे नाराज हूँ। फालतू में नहीं, मैं पहले व्यूअर्स इनको ना बार बार कमेंट करके बोलो कि अपना इलाज करवा ले। अब आप मेरे को, मैं ठीक हूँ, मैं दिख रही हूँ कहीं से भी। नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक बात बताओ, सारे के सारे एक बात ये बताना कि जब गृहिणी ने इतना सर के ऊपर सारा कुछ उठा रखा होता तो उसको तंदुरुस्त होना जरूरी है ना। हाँ जी। मैं इसको यही बोलती हूँ, पहले तू तंदुरुस्त हो जा, मैं प्रॉमिस करती हूँ तेरे को इतना तंग करूंगी तो बोलेगी दोबारा कभी मत आ। नहीं यार, तो मैं कभी बोल ही नहीं सकती। अरे और कौन आता है, पक्का प्रॉमिस, यही तो है। तेरे हाथ के आके मैं वो खा के जाऊंगी, क्या बोलते हैं उसको, वो जो जो
चिल्लुडू जैसे जो दिवाली को आएंगे जो वो ऐसे आएंगे आप लोग दिवाली नहीं नहीं दिवाली को नहीं आना वो जो उसमें बनते हैं क्या बोलते हैं नाम चॉइसी में हाँ क्या बोलते हैं आई क्लू हाँ मैंने इसके हाथ के आई क्लू खाने हैं और वो भी मीठे मीठे दूध के साथ दूध और शक्कर चीनी ऐसे ऐसे खाते हैं तो और वो मैं अगली बार व्हाट इज आई क्लू आई हैव नो क्लू भैया तो सच्ची में सो जब चले जाएंगे सब मिलके बात करेंगे इसको बोलो कि एक बार ढंग से इलाज करवा ले बहुत जरूरी है आप लोग बोलोगे ना शायद ये समझ जाएगी मैंने ना मैं इसको बार बार बोल रही हूँ एक बार शिमला जाके इलाज करवा के फिर उसके बाद तू आ जा मेरे पास पूछेंगे कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है अब मैं बता दूँ नहीं यहाँ नहीं होता क्यों नहीं बतानी नहीं बतानी ले पूरी दुनिया उससे होती है हद हो गई नहीं नहीं लोग फिर पता क्या बोलेंगे ए लो जी निर्जा दीदी से भी सिंपैथी ले रही है ना सिंपैथी की बात नहीं है लोग नहीं हम बोलेंगे आज हम सिंपैथी की बात नहीं है द पॉइंट इज ये खड़ी भी नहीं हो पा रही है मैंने इसकी हालत देखी ना कभी ई कभी ऊ कभी आ और फिर मैं खाना खाऊंगी तो 50 बार सोचूंगी इतनी तो चीखी चुटवा दी इसकी खाना खाते खाते ना ऐसा कुछ नहीं है मैं तो चाहती हूँ ये पहले लता के घर में आए फिर वहाँ से अभी यहाँ पे आए अब सरप्राइज शुक्ला को दिया जाएगा जाके हाँ मेरे को भी पता नहीं था मैं यहाँ पे गाड़ी लगी मैं तो गाड़ी पहचान लेती हूँ अब तो ये अपनी दिल्ली की गाड़ी आ गई अपनी गाड़ी दिल्ली की और बहुत खुशी होती है दीदी अब आप तेरी, आते हैं। तेरी गाड़ी ना दिल्ली लगनी चाहिए जल्दी जल्दी आ जा और मेरे व्यूअर्स ये एक और बात बता दो क्या आप लोग दिल्ली का ब्लॉग देखना पसंद करोगे कि नहीं yes, कमेंट करके जरूर बताना कमेंट करके बताओ दिल्ली एंड एनसीआर और भाई और नीरजा अगर आप चाहोगे दिल्ली और एनसीआर का ब्लॉग देन वी विल डू इट यस यस एंड देन वी विल डू इट सर्दी आ रही है सर्दी आ रही है ना हाँ। सर्दियों में बहुत अच्छा ब्लॉग बनेगा सच्ची में आ तू नहीं भाई इन हमको तो पता लगता ही नहीं है कि हम दिल्ली में नहीं तो सब बोलते हैं दिल्ली मतलब इतने दूर कैसे रहना लोगों के घर में हमें मुझे कहीं की याद नहीं आई इतनी कि मैंने कहीं जाना था एक बार मैं बहुत जगह सारे जाके दिल्ली जाने का बहुत मन कर रहा था हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे मैंने कहा दीदी बहुत मन करता है दिल्ली आने का तो इनकी तरफ से थोड़ी नहीं रत जगह करेंगे रत जगह हाँ दीदी सच्ची में लता मीनाक्षी वगैरह भी होते तो मजा आ जाता रत्त जगह करेंगे ले आ तू उनको ले आ हाँ, फिर मैं तो शुक्ला से बहुत नाराज हूँ इस बात से उसको रोज इस बात का ताना मारती हूँ मैं तूने सितंबर बोला था मीनाक्षी को लेकर कि मैं भेजूंगा हाँ, और सितंबर भी निकल गया मैंने बोला तू तो सितंबर 1 को पैदा हुआ था अब तेरे मैं अपने हिसाब से सोचूंगी सितंबर तेरी ना कैलेंडर में ही नहीं है बिल्कुल 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 तूने प्रॉमिस करके प्रॉमिस तोड़ा है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल नाराज होना पक्का वो ऐसा ही बोलता है मीनाक्षी निकल गई लता भी आ जाती बेचारी एक दो दिन के लिए आना हमने साथ में अच्छा लगता है सब साथ में हो ना हाँ। फिर आपके साथ मजा आएगा हाँ। गीत गाने के तो जनवरी में आ सकते हो जनवरी में आ जाओ ठीक है जनवरी में आ जाओ वो भी आएगी अलीन क्या नाम है बच्ची का हमारी एरिका तो दिसंबर में आएगी जनवरी में जाएगी अच्छा दीदी ठीक है मैं कुल्हाड़ी ले आऊंगा अपनी ओरेगी अच्छा नमस्ते जाना सड़क से ही पड़ेगा हाँ हनी के पापा आए थे इनसे मिलने एक्चुअली काम के लिए गए थे कहीं गाँव में भाई जी आना हाँ चले और फोन उठा लिया करो प्लीज मेरा मेरे कुछ ले आया मां वगैरह चलो जी अब हम चले बाय बाय अभी हमने रस्ते में पता नहीं किस किस के और दोस्ती करके रखी हाँ ये बस भाई राह में आए वीरों को से भी दोस्ती करते राह में आए जो भी पता उनको गले से लगाते चलो दीदी और का ये है तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके अब घर के हो गए हैं घर के मेंबर जैसे हाँ। और इनको ये नहीं होता कि यहाँ पे झाड़ू नहीं है कहीं तो बड़ा नाक मैंने कई लोगों को देखा है ना इधर उधर देखते रहेंगे यहाँ पे वो चीज नहीं है ये इनको नहीं होता कोई मतलब नहीं इस चीज से इनको सिर्फ हमारे से मतलब होता हम दिख गए जैसे ही मिलते हैं दीदी मतलब इमोशनल हो जाते हैं बताओ कैसा प्यार है शायद ना इंसान जब जब उस क्या कहते हैं मैं क्या बोलूं जब अर्थी पे पड़ जाता है ना उसके बाद ना यहाँ की खुशबू रहती है ना कुछ रहता है हमारा अल्टीमेट ट्रूथ यही है तो अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो जो ये भगवान ने पल दिए हैं जो कर दिया है वो हम लोगों को जी लें सब लोगों के साथ मिलके खाली खाली इंसानों के साथ नहीं जानवरों के साथ भी उतना ही अच्छा व्यवहार करें बहुत तो हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं उन पलों को जी रहे हैं जो हमको भगवान ने दिए हैं
अगर हम जैसे हमारे माता पिता हमको अगर कुछ गिफ्ट देते हैं और बोले, हम बोले नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है, ये ऐसा है वो वैसा है, हम कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हम अपने माता पिता को। ऐसे ही जब हम भगवान को बोलते हैं ना, ये तेरा दिया वो ये अच्छा नहीं है, ये बंदा नीचा है, ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा गंदा है, ये जानवर गंदा है, ये जानवर अच्छा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उस भगवान को जिसने हमें बनाया, जिसके साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। तो फिर वो क्या हमारी आत्मा जो उसने भेज रखी है, क्या अपने अंदर वो समाएगा उस आत्मा को? कभी नहीं समाएगा, वो बोलेगा जाओ तुम भूत बनो, टंगो जहाँ पर भी जाके। सच्ची तो फिर इसलिए अच्छा है कि अपनी आत्मा को सच रखो और परमात्मा से मिलके रहो। इसने जातू पार बहुत अच्छी बातें बोली दीदी ने। अभी ये लोग जा रहे हैं क्योंकि इनको ना अंधेरा हो जाएगा। और हाँ थोड़ा सा मतलब मेरा एक सपना था कि दीदी मेरे नए घर में कभी एक रात को रुकते। हाँ रुकूंगी, बिल्कुल रुकूंगी, प्रॉमिस। और जब पिछली बार आया दीदी ना, पहले जब पहली बार आए थे तो मैंने बोला दीदी बस जल्दी जल्दी मैं घर तैयार कर रही हूँ, फिर आपको कोई मतलब ऐसी नहीं होगी रुकने के लिए, हमने सब कुछ करा। नहीं, प्रॉमिस, अगली बार जब मैं जब भी आऊंगी मैं जैसे रुकने के लिए आऊंगी तो मैं बोल दूंगी कि मैं तो रुक जाऊंगी मैं। हाँ तो फिर उस हिसाब से करूंगी। ये देख थोड़ा सा ना आदत नहीं है वैसी वाली। हाँ हम लोगों को आदत। ठंडे क्यों रहते हैं दीदी? मेरे हाथ। चलो मैं अभी इनसे बातें कर लेती हूँ कैमरा ऑफ करके। जय माता दी कर लो सब। बाय बाय व्यूअर्स, उनके लिए बहुत सारी दुआएं करना, बहुत अच्छे। आप लोगों के भी मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं। आप इतना प्यार करते हो मेरे को, बहुत करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आप लोग कभी भी किसी भी टाइम लगे मेरी जरूरत, आप खुल के बोल सकते हो, मेरे से होगा तो जरूर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, बस इनको स्वस्थ रखे, बाकी इनके पास सब कुछ है भगवान की दया, इनको जल्दी से ठीक कर दे और ये स्वस्थ हो जाए। अच्छा हम दोनों बहने लगती है ना, पहले बताओ। आप सुंदर हो है ना, सच्ची में लगती है दीदी। हाँ बहुत, जैसे दिल के, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इंसान का पता अपने आप लग जाता है, मुंह पे तारीफ का कोई वो नहीं होता, अपने आप पता लग जाता है कि कौन कैसा है। तो चलो अभी मैं इनको गाड़ी में बिठा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।